स्वागत है आपका। बात उत्तर प्रदेश की करेंगे क्योंकि सरकार चल रही है लेकिन सरकार चलाने वाले कहीं और मशगूल है। बेटा बाप को ठेंगा दिखा रहा है, बाप राजनीति की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है, कहने को ये सिंबल की लड़ाई है लेकिन सच में देखें तो ये नई पीढ़ी की अपना अलग वजूद बनाने की लड़ाई है। तो पुरानी पीढ़ी अपने राजनीतिक वजूद को कुछ और लंबा खींचने के लिए लड़ रही है और उसकी मजबूरी कुछ पुरानी कस्में, वादे और वफा भी हैं जिन्हें उसने अलग अलग लोगों से कर रखी है। आज की हमारी चर्चा यूपी में इसी जंग पर। यूपी विधानसभा चुनाव में साइकिल सिंबल किसे मिलेगा, मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी को या अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी को? यह फैसला अब चुनाव आयोग को करना है क्योंकि मुलायम परिवार के घर से निकलकर पिता पुत्र का यह दंगल अब इलेक्शन कमीशन के दर तक पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव ने खड़ा तो किया लेकिन बदली हुई हवा और पीढ़ी को समझने में इस बुजुर्ग नेता से भी गलती हो गई। अब अपनी ही पार्टी नेताजी की मुट्ठी से सरकती जा रही है। बेटे अखिलेश यादव पिता की जगह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, लिहाजा डर यह है कि वो कहीं साइकिल चुनाव चिन्ह पर भी कब्जा न कर ले। इसी खौफ में मुलायम अपने बचे खुचे और उनके साथ रहने को मजबूर कुनबे के साथ चुनाव आयोग पहुंच गए। लेकिन किसी ने शायद ही कभी सोचा होगा कि मुलायम को एक दिन ये कहना पड़ेगा कि ये साइकिल मेरी है। समाजवादी पार्टी पर चुनाव चिन्ह है हमारे तस्कर पर। सर आपने अधिवेशन कैंसिल कर दिया नेताजी, क्या मैंने इलेक्शन कमीशन को पहले लिख दिया। अमर सिंह, शिवपाल यादव और जयप्रदा मुलायम के साथ वही चेहरे फिर प्रभावी दिखे जिनसे अखिलेश यादव नफरत करते हैं। पारिवारिक फसाद के सूत्रधार माने जाने वाले अमर सिंह तो अपनी छुट्टी रद्द कर लंदन से दिल्ली आए हैं लेकिन जानकारों की माने तो चुनाव आयोग के लिए इतनी जल्दी फैसला करना आसान नहीं है, लिहाजा साइकिल का पहिया जाम भी हो सकता है। यानी संभव है कि इस चुनाव में साइकिल ना मुलायम की और ना अखिलेश की। पार्टी सिंबल का इशू सबसे बड़ा इशू होगा कि ये सिंबल साइकिल किस कौन यूज कर पाएगा। तो ऐसी सूरत में कि जब दोनों ही फैक्शन क्लेम करेंगे कि वही रियल पार्टी हैं, ऐसा होता है जैसे कि कई केसेस में पहले इलेक्शन कमीशन ने किया है कि जो मौजूदा सिंबल है उसको फ्रीज कर देते हैं, दोनों पार्टी यूज नहीं कर पाएंगी और एक एडहॉक सिंबल दोनों फैक्शन को दे दिया जाएगा। लेकिन मुलायम से साइकिल छीनने के लिए अखिलेश गुट भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आयोग से कोई वक्त मांगा नहीं। जी सर, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी और शिवपाल जी शिकायत कर रहे चुनाव आयोग में, तो उनसे पूछो जाके जो कर रहे हम क्या करें। कह रहे हैं आपने जो फैसला किया असंवैधानिक है, असंवैधानिक था। हाँ तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्हीं से पूछो सर। लेकिन सर पार्टी का संविधान क्या कहता है? सर जो ना संविधान जो कहता है वो हम जानते हैं। रविवार को अखिलेश खेमे ने जिस तरह मुलायम सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर पार्टी का संरक्षक बना दिया, साथ ही शिवपाल यादव और अमर सिंह को उनके ओहदों से बेदखल किया, उसे मुलायम समर्थक नेताओं के पैरों के नीचे की जमीन खिसकी हुई है। अपनी और किरकिरी से बचने के लिए मुलायम खेमे ने 5 जनवरी को लखनऊ में आयोजित होने वाली पार्टी के अधिवेशन को भी रद्द कर दिया और समर्थकों से सीधे चुनाव क्षेत्र में जाने को कहा है। लखनऊ से अमितेश और दिल्ली से अमर सिंह के साथ टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो यूपी में जो हो रहा है काफी दिलचस्प, रोज नए मोड़ उसमें देखने को मिल रहे हैं। इन सबके बीच में यूपी का कितना भला हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, वोटर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, सब पर हम बात करते हैं। अंजला सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, रितु सिंह है बीएसपी के प्रवक्ता हैं, कमाल फारूकी साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं और रोहित शुक्ला लल्लू हैं जो कि एसपी के नेता हैं। लल्लू जी पहला सवाल मेरा आप ही से है क्योंकि केंद्र में इस पूरी चर्चा के आपकी ही पार्टी है। किसी ने नहीं सोचा होगा मुलायम सिंह जैसे इतने सीनियर लीडर उम्र के इस पड़ाव में राजनीति में इतने दशक रहने के बाद उनको अपनी साइकिल की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो भी अपनी बेटे की वजह से। देखिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इस समय हमारे संरक्षक हैं हमारे पार्टी के। माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और
चलिए, शायद आवाज इन तक नहीं पहुंच रही है, फिर से एक बार इनके पास आने की हम कोशिश करेंगे। कमाल फारूकी साहब, पहला एक्सपर्ट कमेंट मैं आपसे ले लेता हूं, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प हो रहा है, किसी ने नहीं सोचा होगा इतने कद्दावर नेता है और इस बिल्कुल इतने सालों के बाद पार्टी को इतना बड़ा करने के बाद उनको इस बात की लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि साइकिल का चिन्ह किसका है, साइकिल किसकी है, पार्टी किसकी है, और सब कुछ अगर हो भी रहा है तो बेटे की वजह से। आप अगर देखें इसको तो ये कुदरत का एक अजीब निज़ाम है कि इसमें जो कल तक जो लीड कर रहे थे, जो हेड कर रहे थे, आज उनकी पोजीशन ऐसी ख़राब हो गई कि वो वहाँ से पार्टी अध्यक्ष निकाले गए और नेशनल लीडर थे वो ख़त्म हो गया उनका। और ये बेसिकली अगर देखें तो इसमें असेसमेंट अगर करें तो ज़्यादा गलती हमको उन्हीं की नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने हालात को नहीं समझा, उन्होंने पहचाना नहीं कि हालात कितने ख़राब हो रहे हैं, और कुछ लोगों के कहने के ऊपर उन्होंने जो एक कामयाब चीफ मिनिस्टर था पार्टी का उसको उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया, और दोनों तरफ से, मतलब इस तरफ से भी और उस तरफ से, किसी ने कोई संभालने की कोशिश नहीं करी और पार्टी को इस पोजीशन पे पहुंचा दिया कि अब चुनाव चिन्ह जो है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में है कि वो दे या फ्रीज कर दे। तो हम समझते हैं कि मुलायम सिंह जी अगर अपना सेल्फ असेसमेंट करें तो उनसे कहीं ना कहीं उम्र के इस हिस्से के अंदर आकर अपेरेंटली ऐसा लगता है कि वो गलत लोगों की उनको संगत के अंदर फैसले उन्होंने गलत किया जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हम जिस तरह के संस्कारों में पले बढ़े हैं, इस देश की जो परंपरा है, फारूकी साहब, क्योंकि भले ही पिता कितनी भी गलती करे लेकिन उनको अगर घर से निकाल दिया जाए या बाहर कर दिया जाए तो बेटे की ही गलती मानी जाती है, क्योंकि उतना सम्मान तो आपको करना पड़ेगा, वो पार्टी उन्हीं की थी, उन्होंने बनाई, और अब अगर उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जो कुछ लोगों को नापसंद हो या अखिलेश को नापसंद हो तो इस तरह से उनको एक तरह से पार्टी से मार्गदर्शक बनने का मतलब कुछ भी नहीं, आप एक्टिव पॉलिटिक्स से बिल्कुल बाहर हैं, कोई अधिकार आपके पास नहीं है। देखिए, अगर इसको आप कोई पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं तो ये गलत फहमी होगी। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, और उसके अंदर जो रिलेशंस का ठीक है इज्जत ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जो डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जो जनता का जो मतदान है या जनता की जो सेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम समझते हैं कि उसको पहचानने में मुलायम सिंह जी से कहीं कमी हुई है, गलती हुई है, जिसका उनको उम्र के इस हिस्से में आकर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों को, आम जनता को, जैसे उनसे हमदर्दी तो हो सकती है, लेकिन ये बड़ा क्रूअल निज़ाम है और इसमें हमदर्दियां जो हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर वो कोई मान ही नहीं रखती हैं। हमने इससे पहले भी देखा है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कि किस तरह से जो सत्ता है वो चेंज होती है और जो ओल्ड गार्ड्स होते हैं किस तरह से मीनिंगलेस हो जाते हैं। तो ये एक परंपरा की बात है और उसी के साथ साथ ये पूरा नियम है प्रकृति का, उसके अंदर ये सब कुछ चलता है, इसमें कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि कोई पहली मर्तबा हो रहा हो। चलिए, अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं। अनिला जी, आप बताइए, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक ऐसा आप लोगों को लगा होगा कि अब मैदान में तीन पार्टियों से मुकाबला करना है, लेकिन अब बिल्कुल साफ हो चुका है कि साइकिल जिसके पास भी जाए, अब जो पार्टियां जिनसे आपको लड़ना होगा आपके सामने चार पार्टियां होंगी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि चुनावी रणक्षेत्र में दो हो, तीन हो, चार हो, छह हो, वो रहती है ना जिनसे मुकाबला होना होता है, कोई सशक्त होता है, कोई थोड़ा कमज़ोर होता है, पर यहाँ पर बात इसकी नहीं है कि कौन कौन सामने मैदान में है। उत्तर प्रदेश ने परख लिया है जिस प्रकार से बसपा का और सपा का टन्योर रहा है, और समाजवादी पार्टी अगर टूट जाती है और दो धड़े अलग अलग रणक्षेत्र में, चुनावी रणक्षेत्र में आते हैं, तो कोई उससे बात जो है बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं हो जाती है। जो फितरत रही है समाजवादी पार्टी की वो वही रहेगी, चाहे वो अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी रहे और चाहे वो मुलायम सिंह यादव वाली समाजवादी पार्टी रहे। वैसे भी अखिलेश जी तो एक तरीके से पलटू मुख्यमंत्री रहे, हर बात से वो पलट जाते थे। तो समाजवादी पार्टी दो धड़े में बटे, ना बटे, चार में बटे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बीएसपी के भ्रष्टाचार से तंग होकर समाजवादी पार्टी को ये प्रदेश लेकर आया था और समाजवादी पार्टी ने बदले में इसको क्या दिया। तो अब ये है कि प्रदेश जो है परिवर्तन की तरफ देख रहा है, उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि जो सरकार केंद्र में शासित है
वही अगर प्रदेश में आ जाती है तो जो रोड़ा बन के राज्य सरकारें खड़ी हो जाती हैं और कार्य नहीं होने देती है, वो रोड़ा खत्म हो जाएगा और उत्तर प्रदेश जो है एक अलग गति से देश में आगे बढ़ जाएगा। जो हमेशा नीचे पायदान में पाया जाता है हर चीज में, वो ऊपर आ जाएगा और बेहतर हो जाएगा। जी, रितु सिंह भी हमारे साथ है बीएसपी से। रितु सिंह जी, आप जरा समझाइए कि कुछ वक्त पहले आपकी इलेक्शंस में किस तरह की स्ट्रेटजी रही होगी, और अब जो समाजवादी पार्टी में हो रहा है कि एक और नया धड़ा अलग से खड़ा हो गया जिसका मुकाबला भी आपको करना होगा, तो आपकी स्ट्रेटजी में किस तरह का बदलाव होगा, नीतियां किस तरह से बदलेंगी अब? सर देखिए, समाजवादी पार्टी को लोगों ने एक मौका दिया था और वो मौका इन्होंने किस तरह किया ये सब जानते हैं। इन्होंने पूरा लूट खसोट, जमीनों पे कब्जा करना, इनके अपने ही तो मंत्री थे तो और भ्रष्टाचार थे। अखिलेश जी तो कह रहे कि मैं तो बहुत कुछ अच्छा करना चाह रहा था लेकिन इन लोगों ने करने नहीं दिया, इसी का नतीजा है आज जो हो रहा है। आज अगर अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उनका एक अपनी वजूद था, तो वो क्यों नहीं कर सकते थे? लेकिन वो भी इसमें शामिल थे और 73 MP तो क्या कहते ये बीजेपी के भी थे, तो लोग इन लोगों से तो जवाब पूछेंगे कि आप लोग भी तो थे, आप दोनों ने मिलकर ये प्रदेश को क्या हालत कर दी है, किस मुद्दे पे वोट लेने जाएंगे? और मोदी जी ने तो नोटबंदी करके और जिस तरह लोगों से बातें करें, आज मोदी जी बताएं ना कि नोटबंदी करी बहुत अच्छी बात करी, अब ये बताएं कि कितने 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में आ गए, कौन सी चीजें सस्ती हो गई हैं? मोदी जी तो जवाब भी नहीं देना चाहते हैं। मोदी जी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया, कौन से सस्ताई कर दिया, और कौन से जो लोग मर चुके हैं उनके लिए मोदी जी ने कौन सी चीजें लागू करी है कि उनके लिए कोई व्यवस्था करी हो, कुछ उनको नौकरी दी हो, किसी सरकारी नौकरी दी हो, आप बताइए ना मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने अब लोग भाजपा और सपा दोनों से पूछने वाली है यूपी में कि इन्होंने पूरे प्रदेश का क्या हल करा, और मोदी जी से तो खासकर पूछेंगे कि आपने तो पूरे केंद्र में बैठ के देश में क्या गतियां जो आप लोगों ने मचाई हुई है ये धोखाधड़ी की, भ्रष्टाचार की, तो इससे तो आप क्या कहते हैं, सबसे पहले तो यूपी में ही पूछा जाए। आप लोगों की जितनी भी चर्चा होती है जाके मोदी जी पे क्यों घूम जाती है? आज हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी में हो रहा है थे, तो ये जवाब नहीं देंगे तो आपके आपके भी तो 80 जो MLAs हैं यहाँ पर है उसमें आप लोगों ने क्या किया, उस पर आपसे जवाब नहीं पूछा जाएगा क्या? बिल्कुल पूछा जाएगा, पूछा क्यों नहीं जाएगा, हर बंदे से पूछा जाएगा। और आज लोग इनसे परेशान है, सपा सरकार से तो वाकई परेशान है। चलिए लल्लू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लल्लू जी हमारे साथ जुड़ गए। लल्लू जी आपको क्या लग रहा है, पहले तो जो सबसे दिलचस्प और सबसे सस्पेंस जो बड़ा है जिसका जवाब जनता जानना चाहती है, फैसला चुनाव आयोग करेगा, लेकिन आपको लगता क्या है, साइकिल किसके पास जाएगी? देखिए, हमारे नेता हैं आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी। जो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे हमेशा, बचपन से ही हम लोग सुनते आए हैं कि अपने हक की लड़ाई कहना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, कोई गलत कर रहा है पार्टी में, कोई गलत कर रहा है समाज में, कोई गलत कर रहा है देश दुनिया में, तो उसका विरोध करना चाहिए। तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो किया है, और रही बात आपकी साइकिल सिंबल की, तो इतना मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ कि अखिलेश यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो भी उन्होंने काम किया है और जो भी हम लोगों ने अधिवेशन में पारित किया है वो एक तरीके से संवैधानिक है, और हमारे साइकिल कहाँ जाएगी? संरक्षक है आदरणीय नेताजी जो हम लोग का आशीर्वाद देंगे, हम लोग का चुनाव जीत साइकिल। जवाब नहीं मिला, साइकिल कहाँ जाएगी? और माननीय मुलायम सिंह यादव जी का उनका संरक्षण रहेगा। नहीं, ये आधार क्या है ये सोचने का कि साइकिल आपके पास रहेगी, आधार क्या रहेगी, समझाइए ना जनता को। देखिए हमारे राष्ट्रीय अखिलेश जी ने कह दिया रहेगी, इसलिए रहेगी क्या, आधार क्या सोचने का? मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोग संविधान जानते हैं, नहीं संविधान संवैधानिक रूप से हम लोगों ने जो किया वो सही किया, और दो जैसे कि पार्टी को खराब करने के लिए, देखिए आज अखिलेश यादव विकास कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, और एक ऐसा नेता हमारे पास देश में मिला है जो सवाल काम करने वाला नेता है, झूठे बात नहीं करता, झूठे नहीं, मैं आपकी बातों को एकदम सही जवाब दे रहा हूं। आपसे जानना चाहती है, देश में ऐसा नेता है अखिलेश यादव जो काम करने वाला है। चलिए मैं समझ रहा हूँ आपके पूरे गुट का, जितने भी लोग अखिलेश देखिए कॉन्फिडेंस का जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से आ रहा है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है, इसका आधार क्या है ये मानने का कि साइकिल आपके पास आएगी? थोड़ी सी रोशनी इस पर डालिए, लोगों को समझ में आए कि हो क्या रहा है। यही तो खूबी हमारे नेता में कि आज पूरी दुनिया कह रही है, पूरी देश कह रहा है कि अखिलेश यादव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनको काम करने से रोका जा रहा है, और कौन रोक रहा है, कौन सी ताकतें रोक रही हैं उनको काम करने की, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज यूपी में मोदी जी आए थे,
बताइए, उन्होंने कहा 15 लाख खाते में देंगे, बताइए उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण लाएंगे, जो भी बताइए। हमें एक बात आप बता दीजिए कि जब भारत पे हमला हुआ, यानी देश की सारी चर्चा आप सारी बातें कर रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की प्रवक्ता जी कह रही थी, नहीं उनकी बात सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। भारतीय बसपा की प्रवक्ता जी कह रही थी कि सपा और भाजपा मिलकर काम कर रही, मैं उस पर बताना चाहता हूँ कि चलिए आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया, जो काम किया लल्लू जी सब जानती है। लल्लू जी आपने मेरे उस सवाल का जवाब तो खैर नहीं दिया, लेकिन चलिए अब अगले सवाल का जवाब की मैं उम्मीद करूंगा कि आप देंगे। आपने कहा कि आदरणीय मुलायम सिंह जी आपके मार्गदर्शक हैं, लेकिन उनसे जरा पूछिए क्या इस पूरी लड़ाई में वो खुद के लिए कहीं भी कोई आदर महसूस कर रहे हैं आप लोगों की ओर से? देखिए अभी तक आप लोगों को खुद ये सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि 5 तारीख को उन्होंने बुलाया था अधिवेशन, लेकिन उसको रद्द कर दिया। उनका आशीर्वाद अखिलेश यादव जी के साथ है, वो तो इसलिए कर दिया होगा क्योंकि नंबर नहीं है उनके साथ। देश में आज के तो आप समझ सकते हैं कि साकी चुनाव चिन्ह किधर जाएगी। संरक्षण आशीर्वाद है माने, चलिए लेकिन सवाल ये आदर पे था, आदर पे आप कुछ बता नहीं पाए। खैर रितु जी इस पे कुछ बोलना चाह रही हैं सर, अगर आप में आदर था सम्मान था तो फिर आज पिता और पुत्र की लड़ाई क्यों है सर? आप बताएंगे पिता और पुत्र लड़ क्यों रहे हैं, चाचा और भतीजा लड़ क्यों रहे हैं? अगर आप में था तो फिर आप उसी सिंबल पे लड़ते सारे मिलकर, क्यों नहीं लड़े आप? हमको एक बात बताइए, आपकी पार्टी में 60 साल के ऊपर के पुराने नेताओं को बैठा दिया गया, क्यों बैठा दिया गया? लाल कृष्ण आडवाणी बचपन से देखते थे सपना, अपनी जवानी तक देखते थे, जवानी खत्म हो गई उनकी, क्यों बैठा दिया गया? उसका जवाब गया आप बताइए, मोदी जी ने कहा आप लोगों के अपने परिवार में लड़ाई शायद आपको बीजेपी का समझ रहे, बताना जरूरी है कि आप पूछा था आप लल्लू जी पूरे उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सांसद हमारे हैं। लल्लू जी जो सवाल आपसे पूछ रहे थे वो रितु सिंह जी थी, बीएसपी से है, वो बीजेपी से नहीं है। क्या किया आप? सिर्फ विनाश करना जानते हैं, आप जाति धर्म की बात करना जानते हैं। अब सवाल नहीं समझ पाए लल्लू साहब, लल्लू जी ये सवाल बीजेपी से नहीं बीएसपी की ओर से था आपकी ओर। रितु सिंह जी बीएसपी से हैं, सॉरी मैं नहीं जानकारी, तो बीएसपी के लिए मैं कहना चाहता हूं, बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी पार्टी के नेता, और आज वो दर दर भटक रहे हैं, इसलिए भटक रहे हैं कि उनको पता है कि मैं कितना भी मेहनत कर लूं बहन जी के साथ सर, मेहनत करी थी तो उसको फल भी मिला, आज जब उनकी लालच बढ़ गई तो बीजेपी वालों ने उन्हें रख लिया। हमने तो उन्हें बहुत पहले कह दिया था, उन्होंने तो चैनल पे बैठ के मेरे साथ I-7 पे कहा कि मैं तो बीजेपी में जाऊंगा ही नहीं, और मैंने कहा था कि आप 100% बीजेपी पे जाएंगे क्योंकि आपका लालच है, और लालची लोग कहीं भी जा सकते हैं। चले ठीक है, ठीक है, आप भी मायावती तो कह रही, लालची लोग कहीं भी जा सकते हैं, उनका कोई वजूद नहीं होता, और अभी थोड़ी देर में बीजेपी से भी भाग जाएंगे जब उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। चलिए अनिला जी, लोग ऐसे ही होते हैं। अनिला जी सवाल आपसे है, क्योंकि आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी थी, आप लोगों ने ग्राउंड पर बीजेपी ने यूपी के लिए 6 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, ये कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रैटेजी थी वो इंक्रोचमेंट की ज्यादा थी, कि अगर हमारे आपके पास ज्यादा बड़े लीडर्स वहां पर नहीं है, चेहरे नहीं है, तो अलग अलग पार्टियों के जो बड़े लीडर्स हैं उनको आपने खींचने की कोशिश की, चाहे मौर्य हो या फिर बहुगुणा जी हो, सबको आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। लेकिन अब जो समाजवादी पार्टी में हो रहा, आपको लग रहा है कि आप देखने तो कोई और मैच की तैयारी कर रहे थे और सामने कोई और मैच आ गया, लोगों को भी बुला रहे हैं, कह रहे हैं आ जाओ हमारे साथ। देखिए ऐसे सबसे पहली बात तो यह है कि जितना जो कुछ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या बीएसपी की प्रवक्ता बोल रही हैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में या इस देश के प्रधानमंत्री के विषय में, आज जो रैली हुई है लखनऊ में और जिस प्रकार से वहां पर भीड़ उमड़ी है लाखों की तादाद में, वो अपने आप में सिद्ध कर देता है कि किस प्रकार से ये लोग सफेद झूठ बोल रहे हैं, और प्रदेश की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नंबर एक। नंबर दो, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी ने बहुत सारे काम किए, तो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगी कि जो पलटू मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने काम वाम तो क्या किए, पर हाँ उन्होंने अपने पिताजी का जरूर काम तमाम कर दिया है, उसमें उन्होंने अपनी माहिरता जरूर दिखाई है, भारतीय संस्कृति को बिल्कुल ताक पर रखकर अपने पिता के अगेंस्ट गए हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, मुगलों का ये काम था, मुगल काल में ये होता था,
कि अब ये कसर रह जाएगी कि हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव को ये किसी घर में या कमरे में ना बंद करवा दे, क्योंकि जैसे कि मुगल किया करते थे सत्ता हासिल करने के लिए। तो पूरा प्रदेश, पूरा देश देख रहा है कि समाजवादी पार्टी की क्या संस्कृति है। हमारी संस्कृति में वो बिल्कुल भी कहीं पे भी फिट नहीं होते हैं। जी, आपकी काम पार्टी तो लगभग यही हुआ था, पलटू मुख्यमंत्री। लेकिन आपकी पार्टी में मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाने दें। और दूसरी बात यह है कि जो बसपा की प्रवक्ता अभी बहुत कुछ बोल रही थी, शायद इनको ये भी नहीं पता है कि काले धन के विषय में क्या बोलना है, नोटबंदी के विषय में क्या बोलना है। हाँ, गलती नहीं है बीएसपी पार्टी की, क्योंकि इनकी मुखिया खुद ही बौखला गई हैं। उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि भैया अभी तो मेरा एक अकाउंट के ये सारी डिटेल्स पता चल रही है, सबूत दिया है। मैं इतना मत बोलिए, हर बात पे दूसरों पे ब्लेम करती हैं, बैठे जीते जीते जब विकास की बात आती है, केवल दो शहरों में विकास दिखाई देता है, वो लखनऊ और नोएडा। नोटबंदी और अखिलेश यादव जी की बात को शांत रहिए, शांत रहिए, पहले अपना ज्ञान बढ़ाकर यहाँ पर बैठिए। ज्ञान बढ़ा के तो आप नहीं, ज्ञान बढ़ा के बैठिए। आप अपनी बहन जी से पूछिएगा, वो तो कह रही है मोदी बहुत बनती है, देशभक्त बनिए, देशभक्त बहुत बढ़िया। अपनी आप अपनी बहन जी से जाकर पूछिए कि उनके टेन्योर में सबसे ज्यादा दलितों की बच्चियों के बलात्कार हुए थे, दलितों के ऊपर इतने अत्याचार हुए थे, उसका कोई उत्तर है? सही बात बिल्कुल कर रहे हैं। अरे हाल चाल ले लीजिए बहन जी का, एक मिनट शांत रहिए आप, हाल चाल ले लीजिए बहन जी का। आजकल बड़ी बैंक में जमा करे तो कहाँ से काला धन हो गया? रितु जी आपने बताइए, अमित शाह ने पैसे पाए, कोई बात आप बौखलाहट दिखाई दे रही है। रितु जी प्लीज, आपकी बौखलाहट दिखाई दे रही है, दूसरे प्रकार से आप बोल रहे हैं। रितु जी एक मिनट आप चुप रहिए, रितु जी शांत रहिए ना, रितु जी, रितु जी, रितु जी आप शांत हुई, एक मिनट शांत रहिए, शांत रहिए। सवाल मेरा अंजला जी आपसे है, ठीक है आज आपको मुद्दा मिल गया है कि ठीक है पुत्र ने पिता के साथ जो भी किया, लेकिन आडवाणी जी भी तो फादर फिगर ही थे ना मोदी जी के लिए, उनके साथ वही हुआ जो आज इनके साथ हो रहा है, उनको मार्गदर्शक बना दिया गया और उन्होंने भी संरक्षक बना दिया गया, आपने मार्गदर्शक बनाया था। देखिए सबसे आपने संस्कारों की बात की, इसलिए आपसे सवाल। भारतीय जनता पार्टी जो है परिवारवाद की राजनीति, नहीं नहीं मैं आपसे वही कह रही हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है परिवारवाद की राजनीति नहीं करती है, और यहाँ तो एक परिवार की राजनीति हो रही थी। ये आप नहीं झुटला सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी जो हैं अखिलेश यादव जी के पिता हैं और खून का रिश्ता है। तो यहाँ पर जब बात भी होती है, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी जो अखिलेश यादव जी के सपोर्ट में खड़े हुए, वो भी यही कहते हैं कि विरासत जो है पुत्र को मिलनी चाहिए। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं, वहाँ पे बात की जाती है। चलिए मैं आपकी बात समझ गया, राजनीति होती है वो चरम सीमा पे है उत्तर प्रदेश। आपकी बात समझ गया, आप ये कहना चाह रही है कि पिता को दरकिनार कर देना गलत है, पिता तुल्य को दरकिनार कर देना सही है, आप ये कह रही है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि आप फर्क समझिए कि जो राजनीतिक दल और खासतौर से जो शत्रु राजनीतिक दल होते हैं, आपके पास वो किस प्रकार से राजनीति करते हैं, या धर्म और जाति पे करते हैं और परिवारवाद की राजनीति करते हैं, और इसकी वजह से कोई भी जो प्रदेश होता है वो पीछे चला जाता है और देश भी पीछे चला जाता है। यहाँ पर मैं अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते नहीं कह रही हूँ, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आप आंकड़ों में चले जाइए, उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं पिछले आप 2012 में अगर बीएसपी बहुत अच्छा कार्य कर रही होती तो समाजवादी पार्टी नहीं चुनी जाती, तो पहले बीएसपी ने शोषण किया, फिर समाजवादी पार्टी। एक मिनट, आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा ऋतु जी, आपके पास आऊंगा, ऐसे जंप मत कीजिए बीच में। रोहित जी आप बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आऊंगा आपके पास, आप रुकिए एक मिनट। हाँ रोहित जी बताइए। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी मैंने सुना इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी ने नेताजी को विरासत उनकी छीन ली है, तो मैं इनके मोदी जी की बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इन्होंने अपना बता दिया कि मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते थे। बताइए, देश पे संसद पे हमला हुआ तो बीजेपी की सरकार, कारगिल पे हमला हुआ बीजेपी की सरकार, शहीद हो रहे हैं। आप अपनी पार्टी की बात कीजिए, उनसे जो पूछ रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं
आतंकवादियों को हमने मरवा दिया, आप जो बात करेंगे मैं उसका उत्तर दे दूंगा। परंतु यहाँ पर जो यहाँ पर समस्या मुझे दिखाई दे रही है, आधी अधूरी जानकारी के साथ सपा बसपा के प्रवक्ता जानकारी इनकी पूरी विकास की बात कर रहा हूँ। आपने पार्लियामेंट में अपने संसद के हमले की बात की, आपने कारगिल की बात करी है, मैंने दोनों के उत्तर दे दिए, मैंने आपको दोनों के उत्तर दे दिए है ना कि दोनों में विजय हासिल करी कि नहीं करी। पार्लियामेंट में जिन लोगों ने हमला किया वो मारे गए कि नहीं मारे गए? उस किसान को पूछिए जिनका जिनका फसल दुर्घटना फसल बर्बाद हुआ उसका उन्होंने चेक दिया, उस 1,00,000 रुपए था किसान दुर्घटना बीमा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, 5,00,000 रुपए कर दिया। समाजवादी पार्टी आप बताइए कितना विकास देखना चाहती है? 500 रुपया हर महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं। एक्सप्रेस वे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे, रोहित जी दुर्गा जी आप दोनों को रोकना चाहूंगा। अनिला जी, रोहित जी, सवाल मेरा कमाल साहब आपसे है, थोड़ा सा अब कोशिश करते हैं वो देखने की कि चुनाव आयोग जो भी फैसला लेगा उसके बाद क्या यूपी में बदलेगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि मान लीजिए जैसा कि अभी आंकड़े इंडिकेट भी कर रहे हैं, अगर साइकिल अखिलेश के पास चली जाती है तो उसके बाद क्या देखने को मिलेगा? मुलायम सिंह, शिवपाल, अमर सिंह, जयप्रदा, शिवपाल, इन सबका फिर क्या होगा? किस तरह से आप देख रहे हैं आगे की राजनीति? देखिए, दो चीजें हैं जो हमको इसका ख्याल रखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त जो डिस्कशन का जो लेवल है वो काफी नीचा हो गया, और खास तरीके से हमारी बीजेपी की जो बहन है वो जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके ताल्लुक से लफ्ज सही इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ताल्लुक से हम सही इस्तेमाल करें तो ये पॉलिटिकल जो सिनेरियो ये ठीक नहीं है। अब दो इश्यूज हैं, देखिए एक तो इश्यू हो सकता है इस्तेमाल कर रही फारूकी साहब, मुझे आवश्यकता नहीं है आपसे। नहीं नहीं, आप रुके, देखिए पलटू मुख्यमंत्री है। नहीं, हमें नहीं जरूरत है आपको, वाकई किसी की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है, हमें पता है आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है। आप दुनिया की आंखों में धूल झूठते रहिए, आप नहीं मानते हैं कि वो आप सुन लीजिए पहले, जब आप बोल रहे हैं आप बैठे वादे करके आप 125 करोड़ जनता से खामोश बैठिए भाई। आप मुझे ना बता दें कि मेरे प्रधानमंत्री जी आपके प्रधानमंत्री जी कुछ ना, कमाल जी आप बोलिए, कमाल साहब आप बोलिए और क्या नहीं है, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। अनिल जी एक मिनट रुकिए भाई, आप रुपये रोकिए, जो खत्म करना पड़ेगा आखिरी कमेंट कमाल साहब अपना कंप्लीट कीजिए। आप लोग सुनिए, आप बाकी लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब आप लोग बोल रहे थे तो कमाल साहब ने बीच में नहीं बोला, आप भी इनको बोलने दीजिए अपनी बात। कमाल साहब बोलिए, कंप्लीट कीजिए जो सवाल था सीधे उस पे आइए। देखिए दो इश्यूज हैं, सीधे सवाल पे कि आगे क्या जी इश्यू यहां सिर्फ हाँ मैं देखिए दो इश्यूज हैं बेसिकली इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के पास जो इश्यू है कि साइकिल किसको मिलेगी या साइकिल फ्रीज होगी। अगर साइकिल किसको मिलने वाला निर्णय होगा तो वो डेफिनेटली अखिलेश के फेवर में जाएगा। उसकी वजह यह है कि अखिलेश जी की तमाम डॉक्यूमेंटेशन और जितने लोग बाग आए हैं और जितना पार्लियामेंट्री बोर्ड हो सकता है, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर्स हों पार्लियामेंट के और असेंबली के, चाहे उनकी पार्टी के लोग बाग हों, वो हमने सबने देखा कि वो उनके साथ में है। तो अगर इस बुनियाद पर फैसला होगा तो साइकिल उनके पास जाएगी। साइकिल मुलायम सिंह जी के पास जाना तो मुझे बिल्कुल नामुमकिन लगता है, या तो अखिलेश जी के पास जाएगी या फ्रीज हो जाएगी। अगर अखिलेश जी के पास जाती है तो बीजेपी के लिए वाकई जो बौखलाहट नजर आती है वो परेशानी का उनके लिए बाइस होगा, क्योंकि अखिलेश के पास साइकिल जाएगी और एक ऐसा लगता है कि एक बड़ा उनका उन्होंने जो एसोसिएशन पहले कांग्रेस से और बाकी और लोगों से करने की सोची है तो ये एक बड़ा संगठन बन जाएगा, तो बीजेपी के लिए ये मुश्किलात का सामना होगा। लिहाजा बीजेपी को अपनी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, चलिए ठीक है, जवाब देना पड़ेगा उनको जो जवाब उनके पास नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बाकी तीन मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, अगली चर्चा में भाग लेंगे, हम जानेंगे कि एक बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट से आया उसका क्या मतलब है और किस तरह से देश की राजनीति उससे बदलेगी, उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।